बिस्मिल्लाह रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको खुश आमदेद कहते हैं। 22 अगस्त 2012 की जश्न आज़ादी के हवाले से 22 अगस्त 2002 में ये जश्न आज़ादी हासिल की गई। और मैं आपको बताते चलूँ, ये ट्रांसमिशन जा रही है पूरी दुनिया में हमारी यूट्यूब वेबसाइट एड्रेस पर www.youtube.com/arihadmedia पर। और मैं आपको बताते चलूँ कि जश्न आज़ादी मनाना, पहचान दे बनाना हमारा पुरशाइन अमल है। ये जश्न आज़ादी अली हसन घर में एक टेंशन है, एक सिलसिले में ये तो एक बात की जाती है, असल मौजू ये था कि हमने पढ़ाई मुकम्मल करनी थी और हमारी पढ़ाई को पलट डल गया था, और जिसकी वजह से हमें आगे पढ़ना था। हमने मदर से जब परमिशन लेके और सबसे हम आगे करके ये दुआ लगाया 22 अगस्त को, हम वापस भी आए एक महीने बाद 2002 में। और ये जश्न आज़ादी का सक्सेसफुल टूर था, हम उनको सही से सलामत आए थे। 2003 में प्रॉब्लम हुई थी, तो 2002 में हमने ये टूर लगाया था और हम आज़ादी के साथ इत्मीनान के साथ घर वापस आए थे और ये आज़ादी हासिल कर गई थी। उससे पहले हमारा न्यूज़ स्टूडियो भी नहीं बना था, रूम में भी खलल पड़ गया था, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई थी और हमने अपनी पहचान नहीं बनाई थी। ये पहचान बनी 2002 के बाद। इसके अलावा हम सामान लेने गए 11 और 13 नवंबर 2002 में। इसके अलावा हमारे बहुत रूम में पंखा लगा, इसके अलावा गद्दे आए, ये हुआ, ये सारी तस्वीरें 2002 में जश्न आज़ादी के बाद रही हैं। इसका मतलब हमने अपनी पहचान बनाई है। पाया मैंने पाया तो मैं, रब ने मिलाया तो मैं, होठों पे सजाया तो मैं, सब नगमे लग सगाया तो मैं, पाया मैंने पाया तो मैं, सपने बनाया तो मैं, नींदों में बुलाया तो मैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बिल्कुल, जो आ जाता है जिंदगी में, जिससे मोहब्बत हो जाती है, जिससे इशारे मोहब्बत हो जाती है, जिसे आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं, जिसके लिए आप तड़पते रहते हैं रात भर, जिसके लिए आप मोहब्बत करते हैं, आपका दिल उसके लिए तड़पता है, वही सब कुछ होता है। हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा पार्टनर ज़रूर होता है ज़िंदगी में, जब वो मोहब्बत करता है, जिसके लिए वो रोता है, जिसके लिए वो परेशान रहता है, बैठा रहता है कि उसको कोई ना कोई कभी वो आएगा और मुझे ले जाएगा और हम दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगेंगे। बाहर नई ज़िंदगी में मतलब ऐसा कोई नहीं है। बाहर अगर कोई होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपने नेटवर्क पर। और मैं आपको बताते चलूँ www.youtube.com/arihadmedia पर आप इन नशियात देख सकते हैं। मोहब्बत करना सबका ईमान है, सबका तकाजा है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो छुपाई नहीं छुप सकती है। मोहब्बत आँखों से झलकती है, मोहब्बत दिल से झलकती है, मोहब्बत चेहरे से झलकती है। अगर आप किसी के लिए रोते हैं तो वो आपकी मोहब्बत का तकाजा है, और अगर आप किसी को याद करके तड़पते हैं तो ये भी आपकी मोहब्बत का तकाजा है। रात भर आप उसको सोचते रहते हैं, उसकी याद को ताज़ा करते रहते हैं और उसके लिए अपना दिन छावा करने के लिए तैयार रहते हैं। आजकल तो मैंने देखा लोग जान तक दे देते हैं मोहब्बत के लिए। तो मोहब्बत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर किसी से हो जाए तो वो ख़त्म नहीं की जा सकती। बहाल पहचान दे योम जश्न आज़ादी के हवाले से ये ट्रांसमिशन हो रही है 22 अगस्त 2002। और मैं बाहर गया पढ़ने के लिए और पढ़ने के हवाले से मैंने ये टूर लगाया और ये मेरी एक आज़ादी का टूर था जिसमें मैंने अपनी पहचान नहीं कुछ लिखा है, मैंने ये पढ़ देता हूँ। आज अली हज़ा पहचान दे योम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, बिल्कुल मना रहे हैं अली हज़ा घर और मस्जिद। और
घर वालों के लोगों से 22 अगस्त 2002 को आज़ादी हासिल की। अलीहदा बहुत परेशान थे, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता था। उन्होंने अमन अम्मी से पूछ कर बाहर हर जाने का फैसला किया और ये टुआ लगाया पढ़ाई के हवाले से, और फिर आज़ादी और अपने मन पसंदी के साथ टुआ लगाया, जश्न से आज़ादी हासिल कर ली। अलीहदा आज़ाद हो गए हैं। यह अलीहदा की 10वीं जश्न आज़ादी है जिससे अलीहदा नाम पहचान दोनों बन गई है। आज भी अलीहदा इस आज़ादी को याद करते हैं और आइंदा ऐसा करने का निगाह कहते रहते हैं। शुक्रिया। हाँ, मैं आइंदा तो ऐसा टूर नहीं लगाऊंगा, मैं बस में नहीं, मगर फिर भी मैंने जश्न आज़ादी हासिल की है। उन लोगों से जश्न आज़ादी हासिल की है जो हमसे चलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, जो हमें कुछ करने नहीं देते, कहते हैं कि हमसे मदद मांगो, हमारे आगे झुको, हमारे से खाना मांगो, हम तुम्हें खाने को देंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला खाने को देता है और कोई किसी को खाने को नहीं दे सकता। खाना रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, और अगर कोई ये समझता है कि हमको खाने को दे रहे हैं, कि खाना खाना खिलाना हम दे रहे हैं, तो ये उसके बस की बात नहीं है। खाना अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है और हर इंसान को ही देता है। हर इंसान एक वसीले के ज़रिए से देता है। कुछ इंसान नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उससे खाना मिलता है। कुछ लोग जो हैं वो नौकरी नहीं करते बाहर, उनको अल्लाह ताला देता है। कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं जो नौकरी नहीं कर सकते बाहर, उनको भी खाना देता है। तो हर अल्लाह ताला ने हर एक की कैटेगरीज रखी हुई है। खाना मिलना हर एक का ये है कि खाना अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है और वसील की प्रोवाइड करता है, किसी को जल्दी दे देता है, किसी को देर से देता है, सुनता ज़रूर सकती है। हाँ, और ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह ताला किसी की सुनता नहीं है, अल्लाह ताला हर एक की सुनता है। और मैं आपको बता रहा था कि जश्न आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है इंसान को। तो अगर मिल गई तो वो आपकी सलामती है। अगर नहीं मिली तो उसके लिए तभी तो खुश है। आज भी बहुत से लोग हैं जो पैलेस्टाइन के लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। आज भी बहुत सी दुनिया में ऐसे मस्ते चल रहे हैं जिसकी वजह से ये कहा जाएगा कि उनको आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। साम्राज्य जो आजकल दुनिया में गलबा पा लिया है बहुत सी बड़ी अफवाह ने, उनको तोड़ना पड़ेगा। साम्राज्य और एक तरह से गलबा पाने का जो लोगों में अफरा तफरी फैलाई गई है उससे बचना चाहिए। और साम्राज्य उन्हीं लोगों का ख्वाब है जो चाहते हैं कि हम सुपर पावर बन जाएं, हम दुनिया में हमारा ही नाम रहे, दुनिया में मैचेस हों, दुनिया में खेलों में मुकाबले हों, दुनिया में कोई भी नाम हो उसमें हमारा नाम हो, तो उससे बचना चाहिए। और आज़ादी की नेमत हमारी अभी 14 अगस्त भी गई है, 15 अगस्त भी गई है और आज 22 अगस्त है। तीनों आज़ादियों में यही बात की गई है कि हम अज़म इरादे के पक्के हैं, सच्चे हैं, हमारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। हम एक ऐसे लोग हैं जो आज़ादी के लिए लड़ना भी जानते हैं, आज़ादी की कीमत भी जानते हैं, आज़ादी को सलामत के साथ रखना भी जानते हैं। हमारी सॉलिडरिटी बहुत अजीज है, हमारी इज्जत बहुत अजीज है। हम अपनी सॉलिडरिटी को कभी मजबूर होने नहीं देंगे। हम अपने वक़ार, इज्जत, आबरू और आरज़ुओं को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम अपनी इज्जत आरज़ू को बचा के रखेंगे। हमारे पैगाम है आज़ादी के लिए कि हम एक आज़ाद कौम हैं, हम एक आज़ाद पंछी हैं, हमें कोई नहीं दबा सकता। वह हम जो हमारे साथ हुआ भी है, जिसने भी हमारे साथ लोगों ने आज़ादी तलब करने की कोशिश की है, हमें खैर करने की कोशिश की है, उससे बचना होगा, उसको फरामोश करना होगा, उन पे मसले मसाइल उठाने पड़ेंगे, उनको ज़दोकोब करना पड़ेगा, उनको कटहरे में लाया जाएगा, उनको अदालतों में लाया जाएगा, उनको जो हमारी आज़ादी को ज़दोकोब करेंगे, हमारी आज़ादी की नेमत को छीनने की कोशिश करेंगे, उनसे भरपूर लड़ाई की जाएगी। एक गाने के साथ इख्तिताम करूँगा मैं ट्रांसमिशन को, 22 अगस्त 2012 की ट्रांसमिशन को। तेरे बरसते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा
इश्क सूफे आना तेरे वास्ते मेरा, इश्क सूफे आना मेरा, इश्क सूफे आना। साथ साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, रुक जाएंगे, छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। क्या रब है क्या सब है, जहाँ तू है वहाँ रब है, तेरे लब खिले मेरे लब खिले, अब तू क्या है जाना, तेरे वास्ते मेरा, इश्क सूफे आना मेरा, इश्क सूफे आना मेरा, इश्क सूफे आना। हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करें, हमारे मीडिया कवरेज डिपार्टमेंट को खराज अपीता पेश करें कि वो प्रोग्राम इतनी अच्छी आज भी प्रोग्राम हुआ और इस वजह से वो प्रोग्राम करता है, आपको खुश करता है, आपको गाइड, आपको लंबा पर लंबा बाखबर रखता है। आप इस वजह से हमें ई मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है arihaidertnews@gmail.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है जिससे कि लिंक पर ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में चले हुआ है www.youtube.com/arihaidertnews। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।